चचा भतीजा का तो कोई भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं, भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मैंने, मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं, इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ। अगर वो लालू यादव के लड़के हैं ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है, ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं, और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ भी, भतीजा के साथ भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है, वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर ले। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ महा क्या की खिड़की भी खोल रखी है। चचा भतीजा का तो कोई भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं, भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मैंने, मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं, इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ। अगर वो लालू यादव के लड़के हैं ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है, ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं, और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ भी, भतीजा के साथ भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है, वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर ले। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ महा क्या की खिड़की भी खोल रखी है।